ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से आज के स्पेशल सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि शंख में रखा हुआ जल लोगों पर छिड़का जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे ये भी बताइए धार्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है? शंख के जल से लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाता है, शंख के जल से श्रीयंत्र का अभिषेक किया जाता है, शंख के जल से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है, शंख के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है, शंख के जल से शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है। तो शंख का जल जो होता है आरती के बाद ज़्यादातर शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है और उससे सभी पूजा सामग्रियां शुद्ध की जाती हैं। शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इस शंख में रखा जल लोगों में छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध होकर रोगाणु रहित होकर शुद्ध हो जाती हैं। इसका लाभ सभी को मिलता है, इसका ये वैज्ञानिक पहलू भी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।